सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो जैसा मैं आपको बोला था फ्रेंड्स कि मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर लाऊंगा, ये उसी दिन का है, लेकिन ये ब्लॉग उसी समय नहीं आएगा, वो अगला दिन आएगा। सो चलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। फाइनली यार ये क्या है? और कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन कार्ड सब कुछ नहीं, मेमोरी कार्ड 16 GB, बाकी रास्पबेरी पीआई 4 कंप्यूटर मॉडल भी 8 GB है। इसे असेंबल किया जाए तो एक तरह से ये मिनी सीपीयू ही है, आप कह सकते हो। 8 GB रैम का मेमोरी कार्ड और कुछ सेटअप करना होगा। सैंडिक्स का मेमोरी कार्ड दिया है उन्होंने, 16 GB का यहाँ पे लगेगा, इस पार्ट में होगा। इन्होंने 3 एम्पियर का पावर सप्लाई दिया है। ये देखिए ओरिजिनल रैस्पबेरी पाई 4 की बैजिंग, और माइक्रो HDMI टू HDMI पोर्ट, ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, आप इसे खरीद सकते हैं। और ये एक तरह से कहा जाए तो डेस्कटॉप का सीपीयू रिप्लेसमेंट भी है, सीपीयू का रिप्लेसमेंट है एक्चुअली, डेस्कटॉप नहीं। तो ये काफी अच्छा है, इसे आप एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के तरह भी यूज कर सकते हैं अगर आपका टीवी पुराना हो चुका है और उसमें HDMI पोर्ट दिया हुआ है, तो आप इसे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा है, इसका प्रोसेसर काफी तगड़ा है, 8 GB वेरिएंट का है ये। ये मेरा पहला लुक, बताना कमेंट में कि कैसा रहा, अगर कुछ कम ज्यादा होगा जरूर बताना। वैसे ये कहाँ से आया आप पते? Silverline इलेक्ट्रॉनिक्स। बताओ उसके बारे में और क्या, आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।